जॉब जॉब जॉब, आज हर स्टूडेंट को जॉब चाहिए। क्यों, कैसे, किस लिए, कैसे मिलेगी, क्या क्या होता है जॉब में, कुछ नहीं पता, बस जॉब चाहिए। तो मैं शशांक सुखेजा पोस्टमार्टम शाला के इस वीडियो में लेके आया हूँ उन्हीं टारगेट ऑडियंस के लिए ये वीडियो, जो समझें कि जॉब क्यों, कैसे और कहाँ अप्लाई करने पे मिलेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप सभी के डाउट्स के वो मैंने तीन क्वेश्चंस में डिवाइड किया है। पहला, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ जॉब, क्या उम्मीद रख सकते हो तुम एक जॉब से। दूसरा, व्हाट डज इट रिक्वायर और हाउ मच डज इट रिक्वायर टू लैंड अ जॉब, क्या क्या उसके लिए नेसेसिटीज़ हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या आपको प्रिपेयर करके रेडी होना है फॉर अ जॉब एट अ स्टार्टिंग स्टेज। नंबर थर्ड, हाउ डू यू डू इट और हाउ डू वी डू इट, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है और प्रिपेयर कैसे करना है। तो इन्हीं तीन क्वेश्चंस में से हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट को। तो चलिए अपने इस सेक्शन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या उम्मीद करते हो। तो मोस्टली जितने भी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, जो बेसिकली सी बैकग्राउंड से हैं या सी बैकग्राउंड से नहीं हैं पर कंप्यूटर साइंस की जॉब करना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या होता है, उनको पता ही नहीं है कि जॉब में जाके करना क्या है, वहाँ पे क्या टास्क मिलेंगे या कैसा कल्चर है या कॉरपोरेट स्ट्रक्चर क्या है, नहीं पता। बट सबको बस एक चीज़ दिखती है जो हर कॉलेज का स्टूडेंट बता देता है कि वेबसाइट बनानी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीख लो, वहाँ जाके कुछ कोड लिखना पड़ेगा। बस दिस इज़ नॉट द एक्चुअल पिक्चर यू आर लुकिंग इन टू। बहुत सी कॉरपोरेट इन जॉब्स की प्रोफाइल में प्रोग्रामिंग नेसेसिटी ही नहीं होती या बहुत एक्सेसिव प्रोग्रामिंग आना नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम एवरेज बेसिक नॉलेज, सो यू कैन मेक द डिसीजन मेकिंग ऑफ ईच टास्क यू आर गिवन विद बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉजिकल स्किल्स। इंडस्ट्री क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स ऑफर करती है, बिग डेटा, डेटा वेयर हाउसिंग इंजीनियर, मशीन लर्निंग, रिसर्च एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो हर कंपनी का एक कोर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनाता है, जैसे अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन में कई टीम्स होंगी, डिलीवरी टीम होगी, प्रोडक्ट टीम होगी, प्रोडक्ट का जो अमेज़ॉन की ऐप चला रही होगी वो अलग टीम होगी, प्रोग्राम की जिसने कोर प्रोडक्ट बनाया होगा अमेज़ॉन वो R&D टीम होगी। तो डज इट रिक्वायर, आप लोग अपने कॉलेज के करियर में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो, दैट इज़ वन पार्ट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और जो आप वेबसाइट डेवलपमेंट पढ़ते हो, दैट इज़ अ सेकेंड पार्ट। बट आज की इकोनॉमी में, आज के प्रेजेंट एरा में हर कंपनी ने ऑटोमेशन सिलेक्ट कर लिया है। तो क्या वो आपसे मैन होल्डिंग जॉब्स कराएंगी कि एक सिंगल मैन को पकड़ के कुछ भी कराने लगो, मैनुअल वर्क, नहीं। ऑटोमेशन इज टेकिंग द वर्क ऑफ एन एक्चुअल इंडिविजुअल, ठीक है। इतना ऑटोमेटिक हो रहा है कि आपकी कहो 1-2 साल बाद ज़रूरत ही ना पड़े वेब डेवलपमेंट में, है ना। तो जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके साथ चलने के लिए, हाँ, देयर कैन बी वन प्रोफाइल फॉर वेब डेवलपमेंट, बट देर इज़ नॉट ओनली वन प्रोफाइल फॉर वेब डेवलपमेंट। इवन इफ यू आर नॉट गुड एट प्रोग्रामिंग स्किल्स, आप अगर प्रोग्रामिंग बिल्कुल अच्छे से नहीं जानते हो, यू कैन ऑप्ट फॉर SQL, द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, और यू आर गुड एट एक्सेल और मीन्स मैनेजमेंट थिंग्स, देन यू कैन गो फॉर दैट, द बिजनेस इंटेलिजेंस वर्क। बट यू विल हैव टू लुक इन टू द ऑल द जॉब प्रोफाइल्स दैट यू आर प्रेजेंटली वर्किंग विद। तो दिस कम्स टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन में, वॉट डू यू ऑल रिक्वायर टू लैंड अ जॉब विच आई वॉज टॉकिंग, मतलब कैसे मिलेगी जॉब जिसके पीछे बारे में अभी अपन ने डिस्कस किया। तो उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है गुड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। अगर आप प्रोग्रामिंग में बहुत बड़े मास्टर नहीं हो, आपको नहीं आती, तो फिर कंपनी आपको क्यों ले। तो दैट कम्स टू माई फर्स्ट पॉइंट, गुड कम्युनिकेशन स्किल। सेकेंड, गुड और एवरेज प्रोग्रामिंग स्किल विद स्मार्ट
एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। आपके पास हल्का सा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझ के, एक सिचुएशन समझ के उसको कैसे हैंडल करना है वो एटीट्यूड, और स्मार्ट ना कि हार्ड वर्क वाला कि मतलब ये इतना बड़ा प्रोसीजर लेगा, नहीं, टेक अ स्मार्ट वे आउट ऑफ इट, है ना, शॉर्ट सिंपल एंड विच डजेंट अफेक्ट द प्रेजेंट कमिटमेंट। थर्ड स्किल, ये सब तो हो गया कि कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, क्योंकि जितने भी क्लाइंट्स हैं आउट ऑफ इंडिया हैं, सो यू नीड इंग्लिश एंड गुड वर्बल कम्युनिकेशन विद दोज पीपल, और द पीपल कमिंग फ्रॉम वैरायटी ऑफ प्लेसेस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड, ठीक है। थर्ड पॉइंट, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड भी ज़रूरी है कि यू विल बी गिवन वर्क एंड यू विल हैव टू डू इट, एंड अ गुड रीजनिंग लॉजिकल स्किल्स दैट कम्स विद द एप्टीट्यूड, ठीक है। तो दिस इज वॉट इंडस्ट्री वॉन्ट्स फ्रॉम यू। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, हाउ डू यू डू इट, कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश, स्टार्ट रीडिंग, लिसनिंग एंड टॉकिंग, सो यू कैन ब्रिंग द गैप लेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अ पर्सन दैट इज नॉट फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम अब्रॉड और विद इन इंडिया बट हैज अ डिफरेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेज, टू गेट अ कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। इंग्लिश सीखनी है, पढ़ना है, रीड करना है, वीडियोस देखना है, बट बोलना भी है, जिससे वो कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाए। सेकेंड पॉइंट, लॉजिकल एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते थे, एजेस का क्वेश्चन पढ़ते थे, रिलेशंस का पढ़ते थे, CP, SP, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब जो आपने अपने 10th क्लास तक में पढ़ा है, उसको वापस से रिवाइज करने का वक्त आ गया है, क्योंकि उससे कंपनी आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट करेगी। जितने भी एंट्री लेवल एग्जाम्स होते हैं TCS, Wipro, Infosys, बड़ी बड़ी कंपनीज के, दे ऑल गिव यू एप्टीट्यूड क्वेश्चंस टू चेक योर मैथमेटिकल और थिंकिंग स्किल्स विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, मतलब एक दिए हुए समय के साथ आप कितना तेजी से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है बेसिक सी नॉलेज। बेसिक सी नॉलेज क्यों चाहिए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज क्यों चाहिए, जिससे आप समझ सको कि प्रोग्राम शुरू कहाँ से होता है, ख़त्म क्या होता है, और उसमें जो यूज़ होते हैं कॉन्सेप्ट्स, वो आप हर लैंग्वेज में कहीं ना कहीं अप्लाई कर सको, क्लियर है। तो इसके बाद हम अपने आते हैं चौथे में, चौथे पॉइंट पे, जिसको हम बोलेंगे, जो तुमने ये बेसिक लेवल करी, बेसिक लेवल की 3 प्रेपरेशंस करी, अप्लाई कहाँ करोगे, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कुछ नहीं पता। तो इस चैनल को फॉलो कर लो, आगे आने वाले वीडियोस में इन सब क्वेश्चंस के जवाब होंगे। प्लस मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ एंट्री लेवल सी प्रोग्रामिंग का, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर के पास, एंड ऑल दी ज्वाइनिंग डिटेल्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड द सेशंस, द बैच टाइमिंग्स विल बी सिर्फ सैटरडे संडे, जिससे ना आपको प्रॉब्लम हो ना हमको प्रॉब्लम हो। आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल एट एमडॉक्स कंपनी, सो आई विल बी टीचिंग ओनली ऑन सैटरडेज एंड संडेज फॉर 2 hours ईच डे विद ऑल दी जॉब काउंसलिंग यू नीड, जितनी भी जॉब काउंसलिंग, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, किसके लिए क्या स्किल्स चाहिए, सब कंसिडर किया जाएगा, एंड दैट विल बी वर्थ इट। तुम्हें लगेगा, तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस बैच के बाद कि तुम एक जॉब के लिए रेडी हो। तो जो भी पेमेंट की और रजिस्ट्रेशन की है, वो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप पेमेंट कर सकते हो उस गिवन UPI ID पे, स्क्रीनशॉट आप अटैच्ड गूगल फॉर्म में पेस्ट कर सकते हो, एंड ऑल दी लॉगिन क्रेडेंशियल्स विल बी गिवन टू यू एज सून एज द बैच स्टार्ट्स, और डिस्क्रिप्शन में ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी गई हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस पर्सनली ऑन व्हाट्सएप और कॉल्स इफ रिक्वायर्ड। थैंक यू, दिस इज शशांक सुखेजा साइनिंग ऑफ।